स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। हिंदी खबर ने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा से खास बातचीत की है, सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक हफ्ते में लगातार दूसरा दिल्ली का दौरा है, क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो पहले से ही जोश है, कार्यकर्ताओं में पहले से जोश है, उत्साह है, उमंग है और कार्यकर्ता बिल्कुल बीजेपी के सभी सांसद जिताने को कार्यकर्ता यहाँ तैयार है। इसलिए क्लास लगाई गई कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ पाठ पढ़ाया गया कि किस तरह से जीत दर्ज करनी है? देखिए, हमारा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को परीक्षा होती है, हमारा ये चुनाव होता है और उसके बारे में तो बताना ही होता है, पर वो बताए। सर, पूर्वी राजस्थान में विकास के लिए क्या किया जा रहा है? करेंगे पूर्वी राजस्थान, पूरे राजस्थान। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार जो है वो दिल्ली में सातों सीट है, बीजेपी जीतने जा रही है और कार्यकर्ता जो है वो पूरे जोश में है और जीत दर्ज करने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में सभा को संबोधित किया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आयोजित नारी सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर भाजपा को विजयी बनाने का उन्होंने अपील भी किया। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस बात की साक्षी हूं, मैं वहां उपस्थित थी, मैं विटनेस हूं। जब ये बिल आया संसद में, ये बिल आया उस समय हम सब ने सोचा कि ये तो बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना डिबेट के पास हो जाएगा, इतना बड़ा काम है। हम सब चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले और मोदी जी ये लेके आए हैं तो जरूर पास होगा, इसमें तो डिबेट नहीं होगी, 2-3 घंटे में पास हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए विपक्ष की मानसिकता, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ये जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया कि ये बिल पास नहीं हो, और वहीं राजस्थान में चुनावी चर्चा पर हिंदी खबर से खास बातचीत में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुने। राजस्थान में सर 25 की 25 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी दावा करती नजर आ रही है। दूसरा, वहीं देखा जाए तो जातिवाद और कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कम या अधिक वोटिंग परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इससे फर्क पड़ता है कि किसको कितने परसेंट वोट मिले। ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि 33% वोट मिलने पर भी 2/3 बहुमत मिल गया पार्टी को, तो इसलिए कम या ज़्यादा मतदान होना किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। सामान्यतया ये मानते हैं कि बहुत अधिक मतदान होता है इसका मतलब कोई लहर चल रही है, लेकिन अगर कम मतदान होता है तो उसका भी अर्थ ये होता है कि जो सरकार काम कर रही है उसको बनाए रखने के लिए होता है, तो कभी कम मतदान किसी को पलटने के लिए नहीं हुआ। 2019 के जो चुनाव हुए थे उनमें और अभी जो 2000 चुनाव के जो हुए हैं इनमें काफ़ी वोटिंग प्रतिशत भी कमी रही। दूसरा, जातिगत समीकरण भी देखा जाए जहाँ राजपूत समाज ने भी कहा है और मीणा समाज में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि समाजों का कहना और वोट का देना या समाज में कुछ व्यक्तियों का कहना और वोट का देना, ये दोनों अलग चीज हैं। क्या आज की तारीख में कोई ऐसा जातिवादी नेता हो सकता है जिसके कहने पर वोट पड़ते हों? कोई भी नहीं समझ में आता है। जो लोग जातिवाद की बात करते थे वो धीरे धीरे राजनीति से अलग होते जा रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फर्क ये है कि 2019 के चुनाव में पुलवामा की घटना के कारण लोगों में इतना रोष था कि
कि वोट देते समय वो गुस्सा झलक रहा था, इस समय संतुष्टि का भाव है कि मोदी जी को लाना है। तो मोदी जी को लाना है कि संतुष्टि के भाव में, जब पता है कि मंदिर दर्शन करने जाना है तो क्या दौड़कर जाएंगे? आराम से जाएंगे, तय किया हुआ है, महीनों से तय किया हुआ है कि इनको लाना है, इनको वोट देना है, इसलिए जाके लोगों ने मतदान कर दिया। और जो 5-6% की बात है उसमें ये भी है कि अल्पसंख्यक मतदान कम हुआ है, उनके समझ में आया है कि भारत का विकास होगा तभी उनका विकास होगा, और भारत का विकास मोदी जी के अतिरिक्त और किसी नेता के नेतृत्व में संभव नहीं है, इसका भी मतदान पर असर हुआ है। लेकिन अभी 4 तारीख को सामने आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और बढ़ेंगे आगे, सवाई माधोपुर में लगातार तीसरे दिन भी अतिक्रमण पर नगर परिषद का पीला पंजा जमकर चला है। सवाई माधोपुर विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ दस्ता जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र के बाजार में निकला और मंत्री की मौजूदगी में कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान नगर परिषद का दस्ता बजरिया सब्जी मंडी पहुंचा, जहां सब्जी मंडी के नजदीक बेशकीमती भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। आमजन ने जो शिकायत की थी, इधर उधर इतना अतिक्रमण हो गया कि बाजार में चल पाना दुष्कर काम थी, तो अधिकारियों ने तय किया आमजन को आवागमन को असुविधा नहीं हो, और जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन हो गए नगर परिषद से परमिशन से उन सबके खिलाफ नगर आयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं सीकर के दातारामगढ़ कस्बे में नीट की परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी ने दूसरे परीक्षार्थी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। हमलावर परीक्षार्थी का नाम नवीन बताया जा रहा है। वहीं जिस युवक को चाकू मारा गया है उसका नाम यश कुमार है। पीड़ित को गंभीर अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया है। खबर ये भी है कि दोनों ही परीक्षार्थी एक ही केंद्र पर नीट की परीक्षा दे रहे थे, तभी ये पूरा मामला सामने। और अब खबर पाली से है, जहां पर सोजत पर मुस्लिम युवा खिदमत समिति की ओर से आम मुस्लिम समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन नूर शाह बाबा दरगाह में आयोजित हुआ। इसमें 1 रुपए में दुल्हा दुल्हन से लेकर 25 जोड़ों का निकाह कबूल कराया गया। मौलानाओं ने तकरीर कर निकाह की कामयाबी और दीन दुनिया की भलाई के लिए दुआएं मांगी। निकाह के बाद सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। वेडिंग में खो थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल जब्त भी किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सेना का जवान बनकर लोगों से ठगी करता था। सेना के जवान के नाम से आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपना फर्जी अकाउंट बना रखा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।